राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पावरखेड़ा के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित जैविक उन्नत कृषि कार्यक्रम में किसानों से कहा, 60-70 वर्षों पहले जैविक खेती होती थी, पहले कहीं भी केमिकल फर्टिलाइजर का नामोनिशान नहीं होता था, विदेशों से आया तो हमारे वैज्ञानिकों ने इसे स्वीकार कर लिया, फिर किसानों ने भी लोभ और लालच में इसको स्वीकार कर लिया, आज हम सबसे त्रस्त हो गए हैं। राज्यपाल ने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से कहा कि उन्नत जैविक खाद्यान्न, खाद और कीटनाशकों का उत्पादन किसानों के खेतों पर कराएं ताकि आसपास के अन्य किसान भी जैविक उत्पादन के लिए प्रेरित हों। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित जैविक उन्नत कृषि कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि रासायनिक खादों के उपयोग से होने वाले उत्पादन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। उन्होंने कहा कि यदि आंकड़े लिए जाएं तो कैंसर से मरने वालों की संख्या किसी अन्य संक्रमण से होने वाली मौतों से अधिक होगी। श्रीमती पटेल ने कुपोषण की समस्या का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसान थोड़ी सी सब्जी आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन में देने लगे तो बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलने लगेगा। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके आर्थिक स्वावलंबन पर विशेष बल दिया और कहा कि महिला स्वसहायता समूह इसका सफल तरीका है। 60-70 पशु थे और पूरी जैविक खेती होती थी। हमारे कुलपति जी ने बताया उसी समय आज से 60-70-80 साल पहले कहीं भी एक केमिकल फर्टिलाइजर का नामो निशान नहीं था। ये विदेशों में से आए, हमारे वैज्ञानिकों ने उसके स्वीकार किया, किसानों ने भी ये लोभ और लालच में उसका स्वीकार किया, क्योंकि उत्पादन ज्यादा बढ़ता है, जल्दी फसल आती है, इसी वजह से ये काम शुरू हुआ और आज हम इससे त्रस्त हो गए हैं कि आप सब खेती में तो जुड़े हो लेकिन प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं। और मुझे बताया गया कि 11 लाख हेक्टर में जैविक खेती होती है। ये पूरे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप सब इसमें लगे हो और आने वाले समय में भी 11 लाख से बढ़ाकर 21 लाख 31 लाख तक मध्य प्रदेश जैविक खेती में पहुंच सकता है। लगभग 15-20 दिन पहले मुझे दो किसान भाई मिलने के लिए आए थे, शायद इधर बैठे होंगे, और लौकी लेकर आए थे और लौकी देखकर मुझे खुशी तो हुई, आश्चर्य भी हुआ, मेरी हाइट से भी ज्यादा ऊंची थी, इतनी मुझे देखने के लिए ऐसा करना पड़ता था, इतनी हाइट वाली लौकी कैसे उगाई आपने। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, जैविक खेती से हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और जो हम पेस्टिसाइड रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं उससे जहरीले अनाज सब्जियां पैदा होती हैं, जिससे कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक गाँव में जाकर चौपाल लगाकर किसानों को परामर्श देंगे। इसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी संचालित किया जाएगा। नए कृषि बिल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं अधिकतम खुदरा मूल्य पर फसल बेचने का अधिकार दिया है, जिससे हमारी गौमांस की रक्षा भी होगी, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। वो जहरीली मिट्टी हो गई है उसको वापस उर्वरक बनाना है और जो हम पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं रासायनिक खाद का, उससे जहरीले अनाज पैदा होते हैं, सब्जियां होती हैं, उससे बीमारियां होती हैं, कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। मैंने उदाहरण दिया एक पंजाब का कि जहां एक ट्रेन पूरे जिले में कैंसर ट्रेन इसलिए चलती है कि पूरा रासायनिक का सबसे अधिक उपयोग किया, आने वाली पीढ़ी बचे इसलिए हमको जैविक खेती की ओर आना पड़ेगा। और इसलिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम धीरे धीरे पेस्टिसाइड कम करें और जैविक खेती को बढ़ावा दें। और उसी कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल महोदय आज हमारे नर्मदापुरम संभाग के कृषि विज्ञान केंद्र पवारखेड़ा में आए हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र में, और यहाँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 कृषि कानून में संशोधन किए हैं और स्वामित्व योजना दी ग्रामीण क्षेत्र को, ये सही मायने में किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।